गुलाम है, गुलाम है जो जो एक जो हमारा जो शहर है बेरहमपुर, जो बेरहमी से भरा हुआ है, वेयर क्राइम इज़ द वे ऑफ लाइफ, उसके बारे में है। और जहाँ आप बचपन में पले बड़े होते ही आपके लिए गन इज़ द वे ऑफ डीलिंग विद एवरीथिंग, और जहाँ क्राइम करना मतलब इट्स लाइक आई सेड, इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ स्नैक एट अ कॉर्नर, सो इट्स दैट ईजी फॉर एवरी वन। गुलाम से ज़्यादा द स्टोरी इज़ अबाउट आई थिंक बेरहमपुर, वहाँ पे इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स है, बींग द मेन चौधरी एंड देन हिज सन्स जिसमें से ये है और तीन है, तो इनका मैं गुलाम हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है और सब कुछ दिया है, वट एवर आई वॉन्टेड एंड वी हैव ग्रोन अप टुगेदर। सो हाँ वही स्टोरी है, एंड देन यू नो आई हैव दिस, कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बट इनके सामने मुझे कुछ अच्छा बुरा नहीं दिखता, मैं कर देता हूँ, भले ही मेरे अंदर कोई गिल्ट आएगी बाद में, बट आई डोंट केयर। वही एक डिफरेंस है, बाकी तो हम सब बचपन से, जैसे मेरा डायलॉग भी था कि बचपन में दूध की बोतल से पहले बंदूकें आ जाती हाथ में, तो वह मेरे साथ भी सेम हुआ, बस एक दिल है कहीं ना कहीं, बट इनके सामने कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए गुलाम है। हरियाणा में, हरियाणा बिल्कुल साथ में बैठे दिल्ली के, और हरियाणवी दोस्तों भाइयों के साथ पला बड़ा हूँ, तो मुश्किल नहीं था, शुरुआत से पहले से आती है थोड़ी बहुत हरियाणवी, और हुड्डा में भी थी, बट हुड्डा के और ऑपोजिट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हुड्डा एक बहुत ही स्वीट, लविंग, फ्लोटेशियस, कैसनोवा, लव बॉय था, बट और ये इज़ अ मैड नट इन दी हेड, जिसके जो हुज़ रियली रियली पावरफुल, हुज़ एक्सट्रीमली फेरोशियस एंड स्टिंकिंग रिच फॉर दैट मैटर। तो जब आप ये सारे कॉम्बिनेशन ऐड कर देते हैं तो इट कैन गेट लीथल, सो दैट ही इज़ एक्चुअली लीथल। और उसके लिए मैंने आई हैव चेंज द वे आई लुक, फ्रॉम माई हेयर टू द बियर्ड टू माई वेट टू द मसल्स दैट आई हैव, आई गेंड 7 kgs मसल मास, आई हैव ट्रेंड विद द रेस्लर्स हु टीच द ओलंपिक रेस्लर्स, और जिन्होंने दंगल टीम को ट्रेन किया है मैंने उनके साथ, कोचेज के साथ ट्रेन किया है, आमिर एंड द गर्ल्स। सो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और बहुत मेहनत की है, काफ़ी सारी और चीज़ें जो आप जब शो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप कोई मेथड एक्टिंग तो नहीं की है मैंने इसके लिए, बट मेरा कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट था रणधीर का, जो मैं साडाक में प्ले कर रहा था, ही वॉज अ बॉय नेक्स्ट डोर, रोमांटिक हीरो टाइप था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, रोमांस तो दूर दूर की बात है, ये बहुत ही इंटिमिडेटिंग इंटेंस कैरेक्टर है। तो मैंने भी अपनी थोड़ी सी दाढ़ी अपनी बढ़ाई, क्योंकि अगर मैं ये निकाल दूँ तो दूर दूर से मैं लगता हूँ। इसके बाद लिंगो में मुझे ज़्यादा काम करने को नहीं पड़ा क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग इन हरियाणवी, थोड़ा सा एक टच है, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ उसमें। एक्शन में थोड़ा सा थोड़ी मेहनत की है मैंने, मार्शल आर्ट्स तो करता था मैं, तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने अपना कैरेक्टर स्केच बनाया है अपने राइटर के साथ, राहिल काजी सर के साथ, तो उनकी इमेजिनेशन और मेरी इमेजिनेशन की वजह से ये रंगीला का कैरेक्टर जो भी मैं प्ले कर रहा हूँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ वी टू टुगेदर, इन दोनों की इमेजिनेशन है बेसिकली। सो आई एम जस्ट, जो भी स्क्रीन पे मुझे मिला था, जो भी हमने वर्कशॉप्स की थी 2-3 महीने पहले, हमें पता चल गया था कि ये टाइम पे आ रहा है, तो वी ऑल डिड वर्कशॉप्स टुगेदर, सो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। एंड शो करते 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 आदमी पकड़ लेता है एक कैरेक्टर, वो भी होता है, तो इट्स हैपनिंग होता है। मैडम भाई बात यो है कि हमारा जो शो है ना वो आ रहा है लाइव ओके पे 9 बजे 16 जनवरी से, तो भाई अपने टीवी ने ऑन कर लियो और इस पे लगा लियो, और मैंने देख के बताइयो कैसा लग रहा हूँ मैं। मालिक ने कह दी तो कह दी, देखना पड़ेगा, समझ गए।